सखी किसान। एक पुराने गांव में राज नामी एक मेहरबान किसान रहता था। वो अपनी सखावत और दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। एक मौसम गर्मा में गांव में एक खौफनाक खुश्क साली आई और पानी की कमी हो गई। लोग पीने के लिए काफी तलाश करने के लिए जिदोजहद कर रहे थे, अपनी फसलों को पानी देने के लिए छोड़ दे। ताहम राज के पास एक कुआं था जो कभी खुश्क नहीं हुआ। उसने अपना पानी अपने पड़ोसियों के साथ आजादाना तौर पर बांट दिया, हालांकि इसका मतलब इसकी अपनी फसलों के लिए कम था। जैसे जैसे खुश्क साली जारी रही, राज की फसलें मुरझा गईं और उसके खेत भूरे हो गए। गांव वाले इसकी सखावत के शुक्रगुजार थे, लेकिन इसके लिए परेशान थे। इन्होंने इसे अपने लिए पानी रखने की ताकीद की, लेकिन राज ने इनकार कर दिया। आखिरकार बारिशें हुई और गांव में भरपूर फसल हुई। राज के खेत ताहम खुश्क रहे और उसकी फसलें नाकाम हो गयी। गाँव वाले इसकी बेलोस से मुतासिर हुए और उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी फसल का एक हिस्सा राज को अतिया किया। इनके ताबुन से राज का फार्म एक बार फिर फला फूला और वो कभी भूखा नहीं रहा। कहानी का अखलाक यह है कि रहमदिली और सखावत का हमेशा बदला मिलता है, यहाँ तक कि मुश्किलात का सामना करते हुए भी। दुनिया एक बेहतर जगह है जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि देने में हमें बदले में बहुत कुछ मिलता है।